अरे ये मालिश हो रही है कि तबला बज रहा है? नहीं मालिश नहीं हो रही, तेरी पिटाई हो रही। हा? बजाओ लकी। टन 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 तारा चलती है क्या मस्ते बारा। और हम तो ना नीचे गिर गए। मतलब वो निकालो पानी, निकालो पानी, निकालो मशीन। ये अकेले कुछ भी नहीं कर रहा यार। किस मसले में? चलो इसको वॉश करो जल्दी। ये पूरा निकालो इसमें से, डालो इसमें। अरे हो गया ना। अल्तमश ने लॉक लगा दिया, हमें अंदर नहीं आने दे रहा। अल्तु खोलो ना, रात का 1 बज रहा है। मुंडे ने सारा लॉक ला दिया। बस बस। गुड मॉर्निंग लवली पीपल, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, की हाल चाल सारे दा। एक्चुअली अभी बज गए हैं 10:30 और विंटर्स में होता है कि हम वैसे ही लेज़ी हो जाते हैं। ऊपर से लकी का यहाँ काम है तो लकी बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाते हैं, उस वजह से लेट नाइट सोना, फिर लेट नाइट मॉर्निंग में लेट उठना, सो दैट्स वाई बहुत लेट लेट हो जाता है। और इस वजह से फिर मैं पेरिस पे भी लेट ही आती हूँ। और जब तक यहाँ काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है और ठंड में धूप के मज़े लेना बहुत अच्छा लगता है। ये घर में सबसे बुरी बात है कि इस घर में सिवाय टेरिस के कहीं आपको धूप नहीं मिलेगी, मतलब धूप ही नहीं आती कहीं पर। और ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इस घर का। इस वजह से भी हमारा इस घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ पर रहते नहीं परमानेंट। और मजबूरी है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरे ही कपड़े मेरे डले हुए हैं, क्योंकि ना मैंने जो ये वॉशिंग मशीन है ना, ये ऊपर ही लाके रख लिया। आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ आई थी तब का वॉशिंग मशीन है, कौन से ज़माने का है मुझे नहीं पता, बिल्कुल ख़राब है। यहाँ जैसा कवर है वो तो है ही नहीं, और जिसमें कपड़े सूखते हैं वो भी कुछ खास काम नहीं करता, लेकिन जो कपड़े वॉश होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो मैं यहीं पे वॉश करके यहीं पे डाल देती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि धूप भी लेनी हो जाती है और आपके कपड़े भी मतलब काम चलते रहता है। तो चलिए अब मैंने टीवी भी लिया, आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया और अब चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी कुक अंकल आ जाएंगे, फिर वो लंच बनाएंगे और आज मुझे फ्रेश होने के बाद ना काफ़ी सारे शूट्स करने हैं। सो चलिए आप नीचे उतरते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और लकी के लिए मैंने निकाले थे हालवे। हालवे मैं डेली लकी को सर्दियों में बना के देती हूँ, ये अब्बू मियाँ की दुकान में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इन्हें देसी घी में भूनने के बाद, मेवे डालने के बाद इसमें दूध डाल के इसे बहुत अच्छे से पकाया जाता है और बाद में इसे निहार पेट मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर खाते हैं। उसके बाद कुक आ गए थे और हमारे घर सब्ज़ी बनना स्टार्ट हो गई थी, तो गोभी मटर बने थे और बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे बनते हैं बस वैसे ही। प्याज, हरी मिर्ची और ड्राई स्पाइसेस के बाद टमाटर डाल दिए और बहुत अच्छे से पकाने के बाद जो सब्ज़ियाँ उन्होंने डीप फ्राई की थी वो उन्होंने इस वाले मसाले में डाल दी थी ऐसे। और दूसरे गैस पे साथ ही जो दाल मखनी थी उसका भी मसाला सेम तरीके से रेडी किया था, और उसके बाद फिर उसमें जो काली दाल थी वो ऐड कर दी थी। मुझे पराठे, काली दाल या फुलके बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप भी गरम गरम दाल में देसी घी डालकर या मक्खन डालकर इसे गरम गरम फुलका के साथ इंजॉय करें। साउंड साउंड साउंड। ये बीमार इंसान जिस दिन से बीमार हुए सिर्फ कुकिंग कर रहे हैं, कभी झोल बनाते हैं। बीवी को रेस्ट करना है तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आज एक्चुअली देखो और कितना गंद पाया हुआ है, देखो किचन ये सारा, ये देखो ये सारा इस बंदे ने किया हुआ है। एक्चुअली आज यहाँ पे मार्केट होता है और मैं गई थी सब्जियाँ लेने, जब मैं आई तो यहाँ पे बिरयानी की तैयारी ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने पर, ये देखो ये पानी इन्होंने चढ़ाया राइस का। अब इसमें वो दिखाओ तुम्हारा नॉनवेज, तो ये बंदे ने ये सारी तैयारियां कर ली थी और ना सिर्फ सिर्फ करके सिर्फ ये पीस देना, सिर्फ ये धो देना। मुझे कमेंट करके बताना कितनों के हस्बैंड जब बीमार होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किचन में दिखते हैं, क्योंकि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ किचन में। आओ यो ऐश करो परमा।
बिरयानी बोलो आज जो बिरयानी सूप जैसे ज्यादा खराब नहीं आज की जो बिरयानी है उसमें वो थोड़ी अलग तरीके से बन रही है आज है ना आज देसी बिरयानी नहीं बन रही है आज फ्राई करके बिरयानी बना रहे और किचन की हालत अभी कुक अंदर आएंगे वो देखेंगे इन्होंने पूरा तूफान मचा दिया है मैं दिखाती हूँ ड्राई स्पाइसेस ये प्याज ये सब काट के ऐसे ये ऐसे और उसके बाद यहाँ पे देख लो ऐसे पूरी वॉश बेसिन भरती करते ना उसे ये देखो ये सब और जब मैं गई थी घर इतना साफ था और जब मैं आई हूँ तो ये हाल है क्यों होते हैं हस्बैंड ऐसे देखो खुश नसीब वो तुम कि मैं इतना खाना बना के खिलाता हूँ तो पूछ लो कमेंट करके बता ना कि कोई इतना अच्छा खाना बना के खिलाता है ये तो बात है लेकिन इतना काम तो कल भी बोले ये साफ नहीं करते वो भी मैं साफ करूँगा लेकिन एक बात है लड़की के हाथों में जादू है कल इन्होंने झोल बनाई थी है ना कल इतनी टेस्टी झोल बनाई थी लड़की ने मेरा पेट भरा था मैंने फिर भी दूसरी बार डिनर किया था है ना अभी मैंने तो खैर सफाई नहीं करनी कुकर का देखो जल्दी कम कौन सी बिरयानी है ये लक्की बिरयानी है ये मैं खुद अपने डिश तैयार किया हूँ आज लक्की बिरयानी बन रही है और ये उस दिन से बहुत ज्यादा अलग है वो दिन तो चूल्हे की थी देसी वो देसी स्पेशल है आपको बना के दिखाऊंगा किसी दिन लकी आपको डिटेल में बताएंगे ये बिरयानी कैसे नहीं अभी ये भी ये दिखाऊंगा इसकी अभी 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 दिखाएंगे लकी इसको कैसे बनाता है और कैसे गंध पाते हैं सब बताएंगे लकी ओके अच्छा बताओ गंध जरूरी है कि खाना जरूरी है खाना जरूरी खाना जरूरी खाना इतनी सारी सब्जियां लाई हूँ मैं पूरे हफ्ते की सब्जियां लाई हूँ ग्रीन ग्रीन एकदम जबरदस्त ये मुझे मिला हरा वाला प्याज जो आता है ना ये मुझे 10 रुपीज के दो मिले हैं दो गड्डियां और बहुत मतलब जबरदस्त वाली सब्जियां लाई हूँ मैं एक नंबर जिसको बोलती हूँ तो बहुत मजा आया आज और अभी भी आ रहा है और आज का डिनर बल्ले बल्ले ये बंदा खाने का बहुत शौकीन है खाने से ज्यादा खिलाने का शौकीन चलो इसको वॉश करो जल्दी ए ये पूरा निकालो इसमें से डालो इसमें अरे हो गया ना ये सारा कचरा फाइनल कर दो ना तो पता है कितना मसाला है वो कितनी मेहनत की है वो मसाला बनाने की अरे बाप रे मैंने बनाया सब झूठ झूठ पे झूठ मैं तुम्हारी मेहनत की बात कर रही हूँ तुमने की कितनी मेहनत मैं वैसे भी नहीं करती मैंने राइस भी वॉश मैंने किया धोया भी उसको इतने तामझाम वाले काम मुझे नहीं आते ऐसा नहीं आता ऐसा होता है कि बस प्लेट में डालो और खा लो चलो की हाल चाल ये इतना जबरदस्त लग रहा है ये दिखने में भी इतना जबरदस्त लग रहा है मैं तो राइस पा दो बस इतना खाने खाने कर रही है ये चेक कर रही है ये खा रही है ये कर रही है ये पूरा बस राइस का तो बनाओ बहुत टाइम लग गया यार हाँ देखो इसका पानी सूखना चाहिए पानी तो सूख गया ऑयल ऑयल आ गया देखते हम जबरदस्त वाला और देसी घी भी गर्म हो रहा है देसी घी ये देखो ये जो पानी है ना ये वाला राइस का ये इतना पकना चाहिए कि सूप वाली फील आनी चाहिए अगर आप उसको पी रहे हो तो अभी जल्दी बनने वाला है बोला था भर जाएगा हम दस सौ बाकी राइस कौन तक परूगा नहीं वो दिखी नहीं रहा कब भरा हुआ उल्टी कब रखे हुए दूध का भरा हुआ कब फेंक दिया बोलते
उल्टा रखा हुआ कप है, उनको व्हाइट कलर के कप में मिल्क नहीं दिख रहा है व्हाइट कलर का। जबरदस्त वाली जो धजियां उड़ाते किचन की वो लकी ने उड़ाई है, बस अब जानू आज हमने डिनर कर लिया है जबरदस्त। अल्तमश ने डांस सीखा है, अल्तमश करके दिखाएगा, चलो करके दिखाओ। लकी बहुत देर से वॉक करने निकला है, कहीं नहीं दिख रहा है बंदा, कित्थे गया देख। ठंड कहती मैं किसे दी नहीं, डैडी कहाँ पे, डैडी नहीं दिख रहा है, कित्थे गए डैडी, कितने नहीं दिख रहा। डैडी आएंगे, उनको आने दो, उसके बाद हम डैडी से पूछेंगे। हाँ पूरा थोड़ा नहीं बहुत ही गिर गया। अल्तमश के मुक्काला मुक्काला ने पूरा दूध मेरा उगल गया है। कितने चले, कितने चले आ रहे। अभी अल्तमश गया डैडी को देख के, डैडी के पीछे। रात हो गई है अभी, एक्चुअली 12:30 हो रहे हैं, और एक्चुअली लकी के कुछ फ्रेंड्स भी आए थे जिन्होंने सबने साथ में बिरयानी खाया, तो बस हमारा डिनर हो गया है। और कुक जो थे वो भी चले गए सारा क्लीनिंग करके, और थोड़ी ही देर बाद देखिए कुक आ गए थे, सारी सब्जियां उन्होंने फ्रिज में रख दी और सारा ही क्लीनिंग उन्होंने कर दिया, मतलब पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है। क्या बोल रहे सब, रुक जाओ स्टॉप। अब बताओ सबसे पहले फिरोज भाई बिरयानी कैसी बनी? बहुत अच्छी लजीज। ये चिड़के बोल रहे हैं इनकी। काजी भाई तो खाए पे डबल खा गए, इतनी शानदार बनी। डिनर कर चुके थे फिर भी। और सलीम कैसी बनी? बहुत सुपर बनी, मैं सर्दी लग रही थी फिर भी खाया, सर्दी लग रही थी फिर भी खाया। उसके ऊपर गाजर का हलवा, और उसके ऊपर जो भाई है ये, इन्होंने गाजर का हलवा लाए खोए वाला जबरदस्त गरम गरम। बिरयानी का नाम लकी खान ब्रांड। हाँ लकी खान, और सच में मुगलई बिरयानी वो जबरदस्त थी, पता नहीं रेसिपी कहाँ से इन्होंने निकाली लेकिन बहुत जबरदस्त बनी। ओ लला। अस्सलाम वालेकुम। नहीं हुण का तो सारे चले गए हैं और अभी बहुत ज्यादा लेट नाइट हो गया है, तो अभी हम भी चलते हैं और आप भी चलिए। मैं हो गया बागा फिजियोथेरेपी चालू है और कुछ देसी इलाज होते हैं। अभी रेस्ट है आज थोड़ा सा, अच्छा है, बेस्ट है, रिलैक्स है। अभी 2-3 दिन और फिजियोथेरेपी लूंगा इंशाल्लाह। 2-3 दिन में पूरा रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठंड बहुत ज्यादा इधर, ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा धुंध पड़ रही है इस टाइम पे। तो फिरोज भाई भी कापरे ऐसा ऐसा ऐसा। सो चलिए आज का दिन काफी अच्छा रहा, लकी ने आज का डिनर, आज बिरयानी की इतनी तारीफ की सबने माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा मुझको। और मेरी ऐसी मुझ कैसी लगती है दिखा दे, वट पाया मुंडे ने वट मेरा शेविंग बढ़ा रहा हुआ ये कर रहा हूँ देखा। वो उन्होंने बिरयानी खाई क्या, पूछो बिरयानी खाई क्या गुप्ता जी, कैसी थी, कैसी थी पे, कैमरे में बताओ आगे। हमने तारीफ करी है थोड़ा। गुप्ता जी जो पूरा खाना बनाते हैं, बताइए बिरयानी कैसी थी? बढ़िया बनी थी एकदम। हाँ आप किसने बनाया बताइए, आप भैया जी ने बनाया।
भाभी ने कुछ नहीं किया, सब भैया ने किया, सब मैंने किया, बहुत अच्छी हुई नहीं, सबने तारीफ किया, अच्छी लगी ना सही में, अच्छे बढ़िया खाएगी इसके बाद। अब वो अपने घर की बिरयानी हमेशा खाते हैं, है ना? ठीक है, गुड नाइट गुप्ता जी, आइए कल। तो चलो गाइड, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और लक्की खान की तारीफ करो। थैंक यू, मजा करो, लेकिन शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए मजाक कर लेता हूँ यार, आपको लोग के लिए मैं तो सीरियस रहता हूँ बहुत ज्यादा। हंसते बोलते रहना चाहिए लाइफ में, नहीं हर इंसान के दो रूप होने चाहिए, बाहर जो प्रोफेशनल तरीके के होते हैं वो अलग होना चाहिए और जो फैमिली के लिए होता है वो अलग होना चाहिए। जो रियल लकी है घर में वो यही है जो आपको मेरे साथ दिखते हैं। बाहर तो लकी बाहर जो काम के लिए होते हैं वो किसी की जरूरत नहीं है हंसने की, लेकिन मैं घर में हंसते रहता हूँ। चलिए गुड नाइट, आज की दावा दीनी के लिए थी, मेरी मिलने के लिए मुंबई में, उनको बोलो देख के गुड नाइट, तो बोलो गुड नाइट, नहीं तो मैं तुम्हारी फोटो डाल दूंगी वो पहन कर। गुड नाइट, अरे सुनो ना सुनो, गोरा होने के लिए, गोरा होने के लिए वो जो ब्रश होता है झावा 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 जो स्टोन का रहता है, फेस मल्ली है उससे पूरा घीसे, पूरा घीसे इन्होंने कहा मैं गोरा होना चाहता हूँ।